अब मैं तो आऊंगा नहीं यहाँ पर आज के बाद कभी भी। मम्मी हमारे लिए आए YouTube की तरफ से गिफ्ट। इंसान से ज्यादा तेज बुखार है। अल्लाह रहमान रहीम। इसका बुखार चेक कराओ। आज हूर की बहुत हालत खराब है, इसका ऑपरेशन थिएटर कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं छत पर, और छत पर मैं अभी लेने आया था अपने शूज। ओ ये क्या हो, ओ मुझे लग रहा है, ओ ये क्या हो गया, मैंने कल से धूप में रख रखे थे ना, तो ये भाई साहब इन पे धूप से जल चुके हैं। ओ यार मेरे शूज नए नए शूज थे, सारे जल चुके। चलो कोई दिक्कत नहीं, और मैं आपको मेरे अंदर कुछ नया दिख रहा होगा इस वक्त, बताना भाई आप कमेंट में मुझे क्या आपको नया दिख रहा है। एक फितावा तो मिल चुका, दूसरे फितावा मिल ही रहा है, कभी हवा से ना उड़ चुका, और हवा से देख रहा हूँ तो हर जगह ढूंढ लिया मैंने अभी तक। अभी तक मुझे कहीं भी अवेलेबल नहीं मिला, मुझे शायद लग रहा है नीचे उड़ गया या नीचे कोई उठा के ले गया होगा। मिल चुका, कह रहा था ना यही पड़ा होगा, ये रखा। गाइस मेरी हूर को पता नहीं क्या हो रहा है, दो दिन से खाना भी नहीं खा रही सही से, और पता नहीं बस ऐसे ही लेटी रहती है, अभी अपने तकिए पे लेटी हुई है कुर्सी के नीचे, वहाँ लेटी हुई थी और इधर आ गई। हूर बेटे क्या हो गया, टट्टी आ रही, छोड़ दे भाई। मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, चलो दवाई लेने जाओ। मैं क्या हो रहा है, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे मेरी बच्ची कैसे सूख गई है, सूख गया है इतना, इससे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं, और वहाँ पे बहुत गर्मी थी, तो ये ना पता नहीं बाथरूम में जाके बैठ रहा था, पानी में बैठ रहा था, तो इसलिए इसके गर्मी से पता नहीं क्या हो गया, सूख गई। देखो कितनी सूख गई, ढीली सी हो गई। अरमान ओले मेरा बेटा, ऐसा प्याला प्याला गुद्दा, मेरा छोटा सा गुद्दा। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। पहचान इसकी तबीयत खराब की हो जाती है, इसके जो कान और नाक नोज रहती है ना बिल्कुल रेड रहती है, तो वो सही रहती है, और इसमें ना भी धीरे धीरे व्हाइट है, तो इस वजह से हम अरमान ले जाए। और इसकी दवाई दिलाना सिर्फ मेरा काम है, और मुझे पता है कि इसका सामान कहाँ पर मिलता है, होर का हर चीज खाने से लेके बुखार तक का इसका ठेका मैंने ले रखा। भाई सिस्टर दिया गए थे, सिस्टर का काम मैंने, क्योंकि नहलाती है खाना खिलाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने चाय नाश्ता अपना पूरा कर लिया, और यहाँ पर गोश्त आ चुका, पता नहीं आज क्या डिश में बन रहा होगा। अपना हेलमेट ले आ रहा हूँ भाई साहब, फुल खतरनाक वाला, और अरशान भाई आ चुके हैं, इनके भाई चल रहे हैं, और ये देखो कितना बढ़िया लगता है मेरा हेलमेट, और इसे स्प्लेंडर पर लगा के घूमते हैं हम। पूरे हॉस्पिटल चलो। अरे 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 लात मार, ओ भाग रही भाग रही, डाल जल्दी डाल जल्दी, अरे वो आ जाएगी इसके अंदर, ये बचपन में लाए थे हम जब तक, तो आ गई थी, आ गई आ गई, पूछ अंदर करो इसकी छोटी सी। आज हूर की बहुत हालत खराब है, तो फटाफट से इसकी दवाई दिलाते हैं, हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। धूप भी इतनी बढ़िया वाली निकल पड़े ना, पूरा कांप रहे हम। तब G20 लागू होने वाला ना, आधे से आधे रास्ता बन रहा है, इस साइड का रास्ता बन जाएगा, मुझे जाना शादरे की साइड, वहाँ पर मैं आपको अस्पताल भी बता दूँ, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ कमेंट करते हैं भाई हमें अस्पताल बता दो, हमारी बिल्ली की तबीयत खराब है, खाना नहीं खा रही है, तो भाई मैं आपको शादरा में बता दूंगा एड्रेस भी, अगर किसी की बिल्ली या कुछ भी कुत्ता डॉग फोक जो भी जानवर हो ना उसको भाई वहाँ पर लिया ना इलाज कर देते हैं वहाँ पर। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर। आदरा तो आ चुका, और ये मार्केट इतनी बढ़िया लगती है ना, यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है, ऊपर की साइड से देखो देखो ट्रेन भी जा रही होगी, एक दिन तो भाई वही इतनी पास खड़ी थी, अब तो जाल फाल से लग चुके हैं। बट यार हॉस्पिटल खुल रहा हो, नहीं तो यार बेचारी हमारी हूर की हालत और खराब हो जाएगी। और अब हम जा रहे हैं ट्रेन के नीचे से, ट्रेन का रास्ता। अस्पताल तो आ चुका है, देखो ये रहा सही है भाई, ओपन है, और भाई अंदर भीड़ भी लग रही है, ओए ओए ज्यादा देर न लगे, क्योंकि इसकी गर्मी से इतनी हालत खराब होने लगे ना, शायद हाफने लगे, इसकी जेब निकल जाती है गर्मी के अंदर, तो फटाफट से चलते हैं जल्दी से, इसका ऑपरेशन थिएटर कराते हैं। अभी हमें यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी शायद, और देखो इधर इलाज होता है भाई, जो इंजेक्शन फिक्जेशन होते हैं सब कुत्तों को यहाँ लगते हैं। अरे हुर्री आ जा, देखता हूँ तेरी हालत, डर गई, पहचान गई अपना पूरा, और भाई की आग देखो कैसी होने लगी, गोलू मटोलू का हो गया। मैंने भाई को बता दी ऐसे से, भाई ये बीमारी हो, भाई कह रहे पहले इसका बुखार चेक करा लो, उसके बाद हम दवाई लिखेंगे। इसका बुखार चेक कराओ, बड़े ने मेरा हाथ में नखून मार रखा है, मेरे लग रहा हाथ फट गया होगा मेरा। देखो मेरी हुन ने पूरी उंगली में भाई अपना नखून मारा, इतनी तेज की देखो गड्ढा सा होने लगा हल्का सा। अरे निब्बी इतनी शैतान हो रही है तो हमें मार रही, भाई ने डर जाती है ना, नर्वस हो रही है, यहाँ पर पेट फेट कुत्ता फुत्ते हैं तो डर रही है क्या हो गया, कोई बात नहीं, बस अब दवाई लेनी है इसकी। 101.3 बुखार है इसका, इंसान से ज्यादा तेज बुखार है, 100.3। ओबे यार मैंने की जब भी भाई खाना पाना नहीं खा रही थी सही से, तो इसकी यहाँ पर ये दवाई लिखी है, मेडिकल से वहां से लेता हूँ, और इसकी वैक्सीनेशन अभी इसके सुई लगेगी, बिचारी के फिर से थोड़ा बहुत दर्द होगा, चलो कोई बात नहीं फिर ठीक तो जाएगी इंशाल्लाह। मेडिकलों पर भी लाइन लगानी पड़ रही है हमारी हूर के लिए, और देख ले तेरे लिए क्या क्या सहना पड़ रहा है, तू बस ठीक हो जाए जल्दी से, आंसू तो आ ही नहीं रहे। सॉरी मैं सोच रहा इमोशनल हो जाता हूँ। टिकटॉकर, अरे टिकटॉक तो बैन हो गया, अब कहाँ से टिकटॉकर है। अच्छा अच्छा, तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ। इसकी वैक्सीनेशन 850 रुपए की थी, सिर्फ बिचारी के एक इंजेक्शन लग तो 850 रुपए बता रहे हैं, तो उसके अभी वो लग चुका है, और हमने इसके एक गोली ले ली जो कीड़े कीड़े हो रहे थे उसके पेट में, खाने निकाली है वो वाली, दो गोली ले ली 90 रुपए की, दो गोलियां मिली है, तो उसका सामान भी काफी मिलता, पर यार ये सरकारी है यहाँ तो फ्री में होना चाहिए, पता नहीं भाई क्या हुआ इन्होंने पैसे लिए हमसे, इतने 1200 रुपए का तो सामान आया है, तो भाई देख लो अगर अजिया भाई आपके आना हुआ सरकारी, वैसे मैं तो कहूँ अब मैं तो आऊंगा यहाँ पर आज के बाद कभी भी। सरकारियों में पैसे लगने लगे तो भाई हो गया सरकारी, अब तो मिल रहा है प्राइवेट से भी ज्यादा हाई कर रखे इन्होंने पैसे, कोई दिक्कत नहीं। एक और है जब अगली
दिल्ली सेकंड टाइम आएंगे, सिस्टर को लेकर आऊंगा मैं आपको, जब बताऊंगा उसको वहाँ भी सही हुआ था, वो भी सरकारी है ना। चलो 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 अब तो घर ही चलते हैं, यहाँ पर क्या करना लग चुका है, इसका देखते हैं ठीक होती है नहीं होती। और लूट लिया मिलके हॉस्पिटल वालों ने, इंजेक्शन के बहाने से लगा लिया चूना। भाई इतनी गर्मी हो रही है, अम्मी खराब हो चुकी है। कहाँ गए अरे कहाँ गई? और हुरू मजा आ गया, यहाँ पर पंखे में लड़ गई है। तुझे महंगा इंजेक्शन लगाया हुर के, 850 रुपए का एक सिर्फ वैक्सीनेशन। लो भाई सिस्टर कह रही है मैं रेट कम कराऊंगी। तुझे ना हर कोई लूट लेता। तो भाई क्या करूँ, मेरी सगा है अमीर वाली। लो भाई अम्मी का कल 500 हो गए, तो अम्मी मेरा उस पर पीछा नहीं छोड़ रही है। बताओ चलो कोई बात नहीं, सर छोड़ देता हूँ। खाने में क्या बनाया आज? बना आय हाय रेसिपी का स्टू की है गई। चलो भाई सही रेसिपी तो बन गई। हाँ सिस्टर, अम्मी बस अम्मी की तबीयत सही है, इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। गोरी मोन अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हमारे घर बन रहा है स्टू की रेसिपी देंगे पूरी। हमने गोश्त को धोकर भगोने में रख लिया है बिना कुछ डाले। ये है हमारे पास लाल मिर्च और सौंफ, तेजपाल के पत्ते, बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज। अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। और इसके जो मेन मसाले हैं वो ये है हमारे पास, ये है लहसुन अदरक कुटावा, काली मिर्च, नमक और जो खड़े मसाले होते हैं ना ये वाले, पिसावा धनिया, जीरा और टमाटर वगैरह, इसको भी इसी के साथ ऐड करना है। और जो हरी मिर्च और हरा धनिया डलेगा वो थोड़ी देर में डलेगा, तो बताएंगे हम कैसे डलेगा। पहले इसे ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में जो वो रह जाता है ना थोड़ा लगा हुआ, उस पर थोड़ा सा पानी बस डाल दो ऐसे। इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इजी रेसिपी है, सबको सिर्फ एक ही साथ बन जाता है। ये नहीं है कि अब तेल डालो, छोका लगाओ, ये करो वो करो। तरह से बकरीद पे सूखा गोश्त भी बनता है, जैसे मतलब ऐसे नहीं, थोड़ी अलग रेसिपी होती है उसकी, एक साथ मिक्स करके रख देंगे। अभी तो इसमें 1 कप ऑयल और डलेगा और 1 कप पानी बस। इसमें अब 2 कप ऑयल और 1 कप पानी हम डाल के और इसे पकने देंगे कम से कम 20-25 मिनट, ताकि जब तक गोश्त गल जाए। फाइनली हमारा स्टू बिल्कुल रेडी हो चुका है। और उसमें हाँ खुशबू कितनी बढ़िया, और सब दस्तरखान पे चुका है। तो चलो जल्दी जल्दी खाते हैं अभी हम खाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पर, जो भाई मैंने नाम लिखवाया था, आपने देखोगे कल परसों के ब्लॉग में मैंने नाम लिखवाने के लिए दिया था। तो भाई आज वो रेडी होने वाला है, मैंने कि भाई मेरे सामने रेडी करना, तो मैं ब्लॉग भी बना सकता हूँ कि कैसा होगा। तो अभी रियान लेकर जा रहा है, भाई जल्दी आ जाइए और फिर मैं जाना भी है। तो देखते हैं भाई आज कैसे लिखा जाता है लाइट वाला नंबर 1 ब्लॉग। भाई मस्त लग रहा है, वैसे फोटो आया था मेरे पास। चलो चलो रियान आ चुका है, अब जल्दी से चलते हैं। सच बता रहा हूँ आज इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, चाटे घूसे लात सब चीज एक साथ लगी पड़ी है। ट्रैफिक मिल जाता है ना तो और मत्ता खराब रहता, तो मैं जल्दी जल्दी शॉप पर। स्वागत नहीं करोगे हमारा भाई, जूते किसके? चलो नहीं चलो। हाँ नहीं तो भाई शॉप पर तो आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी मेरा काम स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है भाई, पता नहीं कुछ और बना रहे। भाई जरा मेरा बना दो फटाफट से। देखो यहाँ पर विंग्स भी हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं इनका कर रही भाई, ये इधर इधर लग जाएंगे ना तो जब बड़े लगा। और यहाँ पर देखो मेरा आ चुका अरमान व्लॉग, बट अभी इसकी सिर्फ कटिंग होकर आई है और जो नाम है ना इसका अभी बाद में लगेगा। मुझे लग रहा है काफी यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि भाई अभी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ भाई का। तो भाई देखो ये वाली लाइट है ना, ये मेरे लगेगी नाम में, तो अरमान व्लॉग इस गोल्डन लाइट से लिखा जाएगा। ये क्या नाम होता है कलर का? वन वाइट होता है, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी फास्ट काम करो। देखो काटने में कितनी मुसीबत हो रही है भाई, जरा जरा से नाप ले लिया के जरा जरा से। देखो ये आ चुका है, तो भाई ने इस पे ए लिख दिया। लग रहा है यहाँ पर कम से कम 2 घंटे तो बैठना पड़ेगा, और 2 घंटे बाद तो मुझे नींद भी आने लगी। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, सामने बना लूंगा ना तो ये जल्दी करता, अगर नहीं करता शाम को देता भी नहीं है ना भाई, सही बात है ना। और ये काम सीख रहा है या फिर ही थोड़ रहा है, इसे एक भाई छेद करना भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर देखो अभी मेरी लाइट पे टांके लगने लगे, और भाई टांके का काम बड़े मुश्किल है। देखो बिल्कुल पास पास से देख के लगा भाई, लगाओ देखो भाई, देखो एक एक करके लग रहा है, फिर ये भाई मजबूर पट हो गया। नीचे गिर गया यार, काम धन से करो। फाइनली हमारे टांके लग चुके और भाई ऐसा लग रहा है मकड़े का जाला, अब इसके अंदर होगा 6। चलो चलो चलो, और ये देखो जादू, अरे वाह क्लिक करते ही जल जाता है। पर अपने यूट्यूब लोगों से पेपर हटा दे भाई, कभी आप सोच रहे हो कि ये कागज रहेगा, नहीं भाई ये बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाएगा। देखो जैसा ये नाम लिखा ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा व्हाइट। भाई को हमने काम दे दिया पहली बार, मैंने कि काम कर लो भाई, अब देखते हैं। एक टांगा लगवा रहा है, टांगा भी नहीं लग पा रहा। यहाँ पर भाई हमारा नाम बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आप इतने सिनेमैटिक एंजॉय करो। और देखो भाई बड़ी मेहनत लग रही है भाई, एलईडी चिपकाया जा रहा है, देखना भाई ए लिख चुका है मेरा भी, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत प्यारी होगी, तो फटाफट से इतने सिनेमैटिक एंजॉय करो।
यहाँ पर अभी हमारा आधा काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह चुका है। इसमें अंदर टांके लग रहा है भाई, बड़ी बारीकी से टांके लग रहा है। भाई ने मंगा लिया थम्सअप, इन भाई ने भड़काया था, इन भाई ने थम्सअप मंगा लिया। चलो भाई फटाफट से थम्सअप पीते हैं और फिर हमारा काम हो जाता है, फिर इसे पैकिंग कराते हैं, उसके बाद ले आएंगे घर पर और फिर देखते हैं भाई रिएक्शन। यूट्यूब की तरफ से मिला गिफ्ट ऐसा लगेगा। फाइनली हमारा हो चुका है रेडी बिल्कुल, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी भाई पैकिंग कर रहे हैं, घर चल के दिखाऊंगा आराम से। इतना प्यारा लग रहा है ना, मैंने अभी हाथ में ले रखा, अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, अनबॉक्सिंग कराऊंगा नहीं, एक से जब भी दिखाऊंगा। तो ये खड़ी हमारी कल्लो चुप, फटाफट से चलते हैं घर पर। कम से कम 2-2.5 घंटे हो चुके हैं भाई, मुझे यहीं बैठे बैठे इनके हाथों हाथ बनवा के चलूंगा। और इस पे भी देखो मट्टी आ चुकी है, ये अम्मी फाइनली बन चुका है। तो भाई ये रही कि पहले करो अनबॉक्सिंग, अम्मी हमारे लिए आए यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट। ओए होए मजा आ गया आज यूट्यूब में गिफ्ट दे दिया। अरे पहले अनबॉक्सिंग करो, डायरेक्ट देखो मत पे फाड़ो यहाँ से, गचनी जल्दी देख ले, जल्दी आ जल्दी जल्दी आराम से, अम्मी आराम से, तुम तो काम कर दोगे यूट्यूब का गिफ्ट हमारा तोड़ दो, बट बड़ी मेहनत से आया हमारी यूट्यूब का गिफ्ट। कितना बढ़िया लग रहा है, निकालो निकालो आराम से दिखाओ। और ये देखो भाई यहाँ पर चैन फैन पूरी लगी पड़ी है, खतरनाक लुक दे रहा है, अभी दिखाता हूँ। देखो हमारी यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट आया है, बहुत प्यारा लग रहा है, बट ये थोड़ा बहुत अभी गंदा हो रहा है, अभी हम इसे वो तो कॉलिंग से साफ कर देंगे। मैं आपको अब जला के दिखाऊं कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो इसका ये तार हमने ये सिंपल यूं करके अटैच करना, आप सिर्फ इसे क्या लगाना प्लग, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अब मैं जला के दिखाऊं, 3-2-1 माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। ब्लो गुरु अरे का मुंह देखो पूरा सन आया है, हाय हाय, अरे भाई अरे इनने भी दवाई खाई है। बताओ लग रहा है कुछ खतरनाक टांग है, आतंक लग रहा है, यहाँ टांग बताओ मैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बढ़िया लगी, मेहनत लगी, इतना वीडियो में लग रहा है मतलब ऐसा। हाँ वीडियो में थोड़ा कलर डार्क दिख रहा है, बट बहुत प्यारा लग रहा है, रेड है ये, ऑरेंज कलर की लाइट है, बहुत तारीफ। 10 में से कितना मार्क्स दोगे? 10 के 10 दो भाई, 10 के 10। और आप कॉमेंट बताना आप कितना देना चाहोगे। लो भाई आपको 5 से दिखा देता हूँ, फुल खतरनाक। पर हमें फुल मेहनत करते हो, अरे मेरा भाई हथौड़ा ले लो, पिलास से ठोक रही है। चलो कोई दिखे, मैं यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम पीछे से बैकग्राउंड में सही दिखेगा। अरे वहां में जल्दी लगा दो इसका तार है भाई, मैं टीवी के पीछे से वहां पर लगा दूंगा। फाइनल यरमान ब्लॉग पीछे लग चुका और इतना प्यारा लग रहा है ना, लाइट बंद कर सारा लाइट। हां ये सही है, टन टन। अब लग रहा है, हां देखो अब रियल कलर भी दिख रहा है, देख लो वाइशा। अरे नहीं नहीं लो ना, मैं तो खुद ऐसे ही जाऊंगा वाइशा। अब कुछ लग रहा है अरमान ब्लॉग, बट मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, बट ओके लग रहा है हमें तो। अरे देखो अब हम शीशे में कुछ वीडियो रील शूट करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड में ऐसे चमकेगी, ये देखो गाइस, बस बढ़िया अब लग रहा है। चलो मजे आ चुके, पैसा वसूल है हमारा इसमें। अरे यार मेरे मुंह से निकल गई, मैंने हमें बनवाया था यार। अरे गुलाब का फूल लाओ, लाओ गुलाब का फूल दो, लो मम्मी आई लव यू। अरे सॉरी मम्मी सॉरी, पैसा कहाँ से, तुमसे ही लिए थे मैंने, जो बोल रखे थे वही थोड़ा बहुत ले लिया मम्मी। आई आई गुलाब हाँ करूंगा पैसे। और ये देखो भाई कॉलिंग से साफ कर रहा है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो 3 hours later ऐसी नींद आई थी ना, और इतनी बढ़िया मजा आ चुका, मैं अभी बिल्कुल सोकर उठा हूँ। और यहाँ पर अब खा रहे थे सब खाना, मैंने भी खाना खा लिया है। जल्दी से बोल देते हैं आप कमेंट। फर्स्ट कमेंट है समीर अंसारी, अरमान भाई आप बिग बॉस में जाओ ना। अच्छा अच्छा भाई अभी रुको, सलमान भाई को कॉल करता हूँ, टिंग टिंग टॉन्ग। हेलो सलमान भाई जरा कमेंट आई है भाई, बिग बॉस में बुला लो मुझे। अच्छा अगले साल, चलो ओके। तो भाई देख लो मेरे, फोन कर दिया सलमान भाई को, अगले साल आ जाएंगे। सही है ना, मैं अगले साल बिग बॉस में आऊंगा, तैयारी कर लो। अम्मी तो ऑलवेज रेडी है भाई। सेकंड कमेंट है बिलाल खान भाई, फर्स्ट कमेंट भाई बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट कमेंट करने, क्योंकि भाई सुबह 8 बजे उठ के कमेंट करो, बहुत अच्छा लगता है भाई। बिलाल भाई ए सूफियान ब्लॉग हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है अरमान भाई, अरे थैंक यू भाई। तो चलो भाई आपको आज की वीडियो कैसे अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।